सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं इस फैन के बारे में और आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ कि गाइस यहाँ पे इसका आखिरकार बैटरी बैकअप कितना होता है और इसको चार्ज करने में गाइस कितना ज़्यादा इसको टाइम लगता है गाइस। ठीक है, तो इसी के बारे में आज की वीडियो में गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर गाइस आपने इसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गाइस आप सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देखो, क्योंकि वो वीडियो यार बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा मस्त है। तो आप वो वीडियो देखो, उसके बाद आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हो, या फिर पहले ये वाला वीडियो भी देख सकते हो और बाद में वो वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, तो गाइस अपन जो इसी बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रोज लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है जाके मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गाइस मिल जाएगी, चेक इट आउट। एंड गाइस अपन अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस ये मेरे पास है एक USB पोर्टेबल फैन, जिसको अपन बोलते हैं नेक फैन। ये मेरे पास गाइस एक फैन है, ठीक है, और मैं जब इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो गाइस ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे गाइस एक लाइट ब्लिंक आती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है गाइस कि ये जो है अभी चार्ज है। ठीक है, ये जैसे जैसे गाइस कम होती जाती है, इसका मतलब ये है कि इसका जो चार्जिंग लेवल है वो भी गाइस बहुत ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी स्पीड के वेरिएशन गाइस आपको पता ही है। ठीक है, तो उसमें मैं नहीं जाने वाला हूँ उस डिटेल में। ठीक है गाइस, और यहाँ पे यार एक और यहाँ पे आपको जो है गाइस पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग का, जिससे आप जो है चार्ज कर सकते हो। और ये चार्ज आखिर होता क्या है, इसके पीछे गाइस ये जो बैटरी लगी है ये गाइस चार्ज होती है और ये रिचार्जेबल गाइस की बैटरी है। यहाँ पे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो है सेल डालने पड़ेंगे फिर चेंज करने पड़ेंगे, उसमें गाइस बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो गाइस रिचार्जेबल बैटरी यहाँ पे गाइस लगा के दी है कंपनी है, जिसमें आप जो है रिचार्ज जो है आराम से कर सकते हो गाइस। ठीक है, और गाइस जैसा कि मैंने इसको बाय किया था तो उसके बाद अब इसमें बैटरी तो फुल थी, और जब मैंने इसको गाइस काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया, एटलीस्ट एक दो घंटे मैंने इसको यूज़ किया था, उसके बाद गाइस इसकी बैटरी जो है डेड हो गई थी। तो गाइस यहाँ पे जो है दो घंटे के बाद ही इसकी जो है बैटरी काफ़ी ज़्यादा गाइस डेड होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। तो यहाँ पे किसी किसी कंडीशन में गाइस दो घंटे तक यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप मिल जाता है, या फिर 2.5 घंटे का भी आपको बैटरी बैकअप मिल सकता है, डिपेंड अपॉन दी वेरिएशन गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप अगर स्लो स्पीड रखोगे तो गाइस हो सकता है कि आपको जो है 2 घंटे से ज़्यादा मिल जाए, मीडियम रखोगे तो हो सकता है आपको सिर्फ 2 घंटे के मिले, और ऐसा आप अगर फुल स्पीड में अगर आप कंटिन्यूस चलाओगे तो हो सकता है कि आपको गाइस 1 से 1.5 घंटे के बीच में गाइस आपको ये बैकअप बैटरी का देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस अपन ने बैकअप की बात कर दी कि कुछ इस टाइप से इसके बैकअप जो है वेरी करते हैं स्पीड पे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा गाइस स्पीड की चलाओगे उतना ही ज़्यादा गाइस यहाँ पे जो है बैटरी पर लोड आएगा, उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी जो है यूज़ होगा। ठीक है, तो गाइस इसको जो है चार्ज होने में मेरे हिसाब से गाइस 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि जब मैंने इसको 2 घंटे गाइस चार्ज किया था तो गाइस ये 2 घंटे में एकदम फुल चार्ज हो गया था। उसके बाद मैंने यूज़ किया था तो इतना जो बैकअप बताया हुआ है इतना बैकअप मुझे गाइस मिल गया था। तो यहाँ पे आप मान लो गाइस कि 2 घंटे तो इसको लगते ही लगते हैं भाई चार्ज होने के लिए। ठीक है, और जब भी गाइस आप इसको चार्ज करते हो तो यहाँ पे गाइस पीछे पोर्ट के पास एक ऐसे रेड कलर की लाइट है, वो गाइस ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है और फिर आप इसको 2 घंटे तक छोड़ दो गाइस और यहाँ पे जो है ये चार्ज गाइस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया भाई बैटरी बैकअप यहाँ पे कितना आपको गाइस बैकअप मिल जाता है 1 चार्ज में, और गाइस यहाँ पे चार्जिंग टाइम भी गाइस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रोज लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो।